अस्सलाम वालेकुम। हाय फ्रेंड्स, तो मैं अभी आप में हूँ जिद्दा के सबसे बड़े मॉलों में से एक जेडी मॉल के पास। और फ्रेंड्स, मेरे एक्चुअली फर्स्ट वीडियो है, तो फ्रेंड्स अगर इसमें कोई गलती हो तो भी प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना और प्लीज़ मुझे सपोर्ट करना कि जिससे कि मैं आगे जाके अगर कोई और न्यू वीडियो बनाऊँ तो मैं थोड़ा अच्छे से बनाऊँ। तो फ्रेंड्स, तो अभी मैं आपको इस मॉल के बहुत सारी चीज़ बोल देता हूँ। अभी देखिए फ्रेंड्स, इस मॉल में है दो फ्लोर्स। सेकेंड फ्लोर में इनकी हाईएस्ट फ्लोर में टॉप फ्लोर में है बच्चों के लिए एक खेलने के लिए प्ले एरिया। और फ्रेंड्स यहाँ पे एक इंडोर फाउंटेन भी है। और फ्रेंड्स आप देख लीजिए कि अच्छा है क्या नहीं। और फ्रेंड्स इधर का जो बिल्डअप एरिया है वो तकरीबन 2.5 लाख स्क्वायर मीटर से। फ्रेंड्स ये जिद्दा के नॉर्थ साइड पे है और एयरपोर्ट के करीब है। और फ्रेंड्स हम अभी एंटर कर रहे हैं गेट नंबर 2 में। इसमें बहुत सारे गेट्स है, तो चलिए जाते हैं अंदर। और फ्रेंड्स आप इधर देख सकते हो इधर कितने सारे मॉल्स शॉपिंग से। आपको किसी टाइप की शॉपिंग चाहिए तो आप इधर आके कर सकते हो, चाहे आपको कपड़े की शॉपिंग हो या वॉच की या फिर कुछ भी अगर टाइप की शॉपिंग चाहिए तो आप इधर कर सकते हो फ्रेंड्स। और ये वैसे भी ये जितना कि सबसे बड़े मॉल में से एक है फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स आप इधर देख सकते हो इधर एक कार भी है। और फ्रेंड्स जिन लोगों को चलने में थोड़ी तकलीफ होती है तो वो लोग इधर बाय पेइंग ऑलमोस्ट लाइक सिर्फ ग्राउंड फ्लोर लगता है, मुझे लगता है कि सिर्फ ग्राउंड फ्लोर तक वो एक फुल राइड ले सकते हैं। इधर कोई फिरना इधर कोई करना हो शॉपिंग करना तो वो गाड़ी में बैठ कर राइड ले सकते हैं, भाई पैसे पे करना है और फिर राइड लियो। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसा ही कुछ ऐसे इधर देखिए उधर। और फ्रेंड्स आप जो देख सकते हैं इधर एक मोसाली करके ज्वेलरी शॉप है। चलो फ्रेंड्स मैं आपको थोड़ी क्लोजली आपको मैं दिखा देता हूँ इधर की ज्वेलरीज। देखिए कितनी अच्छी सुंदर है इधर की ज्वेलरीज। और इधर भी आप देख सकते हो ज्वेलरीज और बहुत सारे ज्वेलरीज है फ्रेंड्स। और मैं क्या बोल सकता हूँ, इस मॉल के लिए बहुत मॉल बहुत अच्छा भी हो बहुत बड़ा भी है।
जब देखे तो इधर भी मास्क और स्केलेटन है, और फिर यहाँ से हम इधर जाएंगे। एंड फ्रेंड्स, अगर मैं माफ़ कर देना अगर इस वीडियो में ज़्यादा अगर कुछ ज़्यादा शेक है तो फिर मुझे प्लीज़ माफ़ कर देना। और फिर अगर मैं नेक्स्ट अगर मैं वीडियो बनाऊँगा तो मैं ट्राई करूँगा कि नेक्स्ट वीडियो में मैं शेक विदाउट एनी शेक में नेक्स्ट वीडियो बनाऊँ, तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करना। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और फ्रेंड्स, अभी हम आ चुके हैं स्पार्की के अंदर, और इधर देख सकते हो जैसे मैंने आपको बाहर कहा था कि इसमें दो फ्लोर है, और टॉप यानी कि सेकंड फ्लोर पर है एक प्ले एरिया बच्चों के लिए जो कि इधर है, जिसका नाम है स्पार्की। और हम लोग अभी आ चुके हैं अंदर। फ्रेंड्स, इधर आपको पैसे दे के पे करना है, टिकट लेना, कार्ड लेना पड़ेगा। फिर कार्ड लेने के बाद उस कार्ड में पैसे भरने के लिए वापस आपको पैसे पे करके कार्ड भरने के पैसे भरने के बाद आप जिसमें चाहिए खेलोगे और मजा लोगे। फ्रेंड्स, जब भी जो वॉइस आ रहे थे उसमें थोड़ा आपको मुझे लगता है कि आपको अंदर थोड़ा डिस्टर्ब होगी। नेक्स्ट टाइम मैं इस वॉइस को थोड़ा कंट्रोल करने की कोशिश करूँगा। फ्रेंड्स, अभी हम लोग जा रहे हैं इस पार्किंग के बाहर के नहीं, पर आप देख लीजिए इसके एंट्रेंस के इतना अच्छा है। और फ्रेंड्स, अभी जैसे मैंने कहा था आपको बाहर एक इंडियर फाउंटेन है, तो हम वही है, तो वो बाहर। और फ्रेंड्स, ये 7-8 साल पहली वाली है। और फ्रेंड्स, जब भी तक कुछ फेस्टिवल होता है तो ये लोग ऐसे कुछ रखते हैं कुछ फंक्शन जैसा। फ्रेंड्स, एक्चुअली मेरे बचपन की वीडियो है, सो 7-8 साल पहले थोड़ी पुराना पिक था मैं बस, तो मैंने इसके साथ आपको शेयर कर दिया। फ्रेंड्स,
फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना अपने फ्रेंड्स या फिर अपने फैमिलीज को। प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करना और लाइक और सब्सक्राइब भी करना फ्रेंड्स, और उसके साथ साथ वो बेल नोटिफिकेशन को भी ज़रूर दबाना, जिससे कि अगर मैंने कोई और न्यू वीडियो पोस्ट की तो फिर आपको भी उसका तो आपको उसकी सूचना मिल सके या फिर आपको उसकी आपको इन्फॉर्म मिल आपको इन्फॉर्म हो जाए कि मैंने एक न्यू वीडियो पोस्ट किया है। तो फ्रेंड्स, अनटिल द न्यू वीडियो, बाय बाय, और थोड़ा पोस्ट देखें ना फ्रेंड्स, बाय।